फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं चार स्टॉक के बारे में, और ये चारों स्टॉक अपने जून क्वार्टर के रिजल्ट को रिलीज कर दिया है, और आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि किस स्टॉक की हम चर्चा इसमें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आंध्रा सीमेंट की चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे आंध्रा सीमेंट के डेटा लगे हुए हैं, और ये जो फिगर है ये इन लाख में है, लेकिन इसे हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपके सामने प्रेजेंट करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स, आंध्रा सीमेंट के द्वारा जो टोटल इनकम पोस्ट किया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से, वो 13,56,00,000 का, जबकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 10,00,000 का था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो सिर्फ और सिर्फ 14,00,000 का था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप कंपेरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, तो बहुत बड़ी सुधार इस सीमेंट कंपनी ने अपने आप में दर्ज किया है। और इनका एक्सपेंस की चर्चा करेंगे, और इनका एक्सपेंस 51,18,00,000 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 84,36,00,000 का था, और वो भी माइनस में था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में 56,87,00,000 का था। इसके अलावा आंध्रा सीमेंट के नेट प्रॉफिट की चर्चा करेंगे, तो इनका नेट प्रॉफिट अभी भी माइनस में प्रेजेंट हो रहे हैं, और इस क्वार्टर में कंपनी को 24,66,00,000 का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1,122,01,00,000 का इनको नेट प्रॉफिट हुआ था। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि फ्रेंड्स, ये कंपनी एक्सेप्शनल आइटम में अपने इनकम को शो किया है, जिसकी वजह से इनका यहाँ नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रही है, लेकिन ये कंपनी अपने कोर बिजनेस से इस इनकम को जनरेट नहीं किया है, तो ये भी आप अपने माइंड में रखेंगे। पिछले ईयर जून क्वार्टर की बात करेंगे, तो जून क्वार्टर में भी कंपनी को लॉस हुआ था, और 56,73,00,000 का ये कंपनी लॉस पोस्ट किया था। फ्रेंड्स, अगला जो स्टॉक है वो हिंदुस्तान मीडिया वेंचर लिमिटेड। हिंदुस्तान मीडिया के द्वारा जो टोटल इनकम पोस्ट किया गया है वो करीब करीब 200 करोड़ का किया गया है, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 217 करोड़ को भी क्रॉस कर गया था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका जो टोटल इनकम था वो 169,95,00,000 का था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इनका जो इनकम है क्वार्टर वाइज अगर कंपेरिजन करते हैं पिछले क्वार्टर से, तो यहाँ पर डिक्रीज़ किया है, लेकिन अगर पिछले ईयर जून क्वार्टर से आप कंपेरिजन करते हैं तो यहाँ पर इंक्रीज़ करते हुए आपको दिखेगी। वहीं अगर एक्सपेंस की बात करेंगे, तो इनका एक्सपेंस 189,72,00,000 का था, जबकि पिछले क्वार्टर में 207,64,00,000 का था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका टोटल एक्सपेंस 208,23,00,000 का था। तो फ्रेंड्स, इनका जो एक्सपेंस है वो क्वार्टर वाइज और ईयरली वाइज में डिक्रीज करते हुए यहाँ दिख रही है। वहीं अगर इनके नेट प्रॉफिट की चर्चा करेंगे, इस क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट 6,36,00,000 का है, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट 11,96,00,000 का था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट 21,05,00,000 का हिंदुस्तान मीडिया ने लॉस पोस्ट किया था। तो अगर पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं जून क्वार्टर से, तो यहाँ पे बहुत बड़ी उछाल कंपनी ने दर्ज की है, लेकिन वहीं अगर मार्च क्वार्टर से तुलना करते हैं तो बहुत बड़ी गिरावट इस कंपनी ने दर्ज किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले स्टॉक की, और पिक कर लेते हैं IEX को, और इस कंपनी ने भी आज अपने रिजल्ट को रिलीज किया है। तो फ्रेंड्स, IEX के द्वारा जो टोटल इनकम पोस्ट किया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से, 127,36,00,000 का, जबकि पिछले क्वार्टर में 129,58,00,000 का था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका टोटल इनकम 113,39,00,000 का था। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंपेरिजन करते हैं पिछले क्वार्टर से, तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन अगर पिछले ईयर जून क्वार्टर से तुलना करेंगे तो IEX का जो इनकम है उसमें इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। इसके अलावा अगर एक्सपेंस की चर्चा करेंगे, तो इनका एक्सपेंस इस क्वार्टर में 28,18,00,000 का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 19,52,00,000 का था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में 22,07,00,000 का इनका टोटल एक्सपेंस था। फ्रेंड्स, इसका सबसे खास बात यह है कि ये कंपनी जितना इनकम जनरेट करती है उसके हिसाब से बहुत ही कम ये कंपनी एक्सपेंस पोस्ट करती है। इस कंपनी का सबसे बड़ी खास बात यही है, जिस वजह से इस कंपनी को हमेशा अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, और इस क्वार्टर में भी IEX को बहुत ही शानदार प्रॉफिट होते हुए दिख रही है, और 75,82,00,000 का इन्होंने नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में पोस्ट किया है, जबकि पिछले क्वार्टर में 88,33,00,000 का नेट प्रॉफिट हुआ था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में IEX ने जो अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था वो 69,12,00,000 का किया था। तो फ्रेंड्स, आप यहां कह सकते हैं कि IEX का जो रिजल्ट है इस बार वो बहुत बेहतर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छा रिजल्ट आप इसे अवश्य कह सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले स्टॉक की, और पिक कर लेते हैं एवरलॉन फाइनेंशियल्स लिमिटेड को। फ्रेंड्स, एवरलॉन के द्वारा जो टोटल इनकम पोस्ट किया गया है वो 1,47,00,000 का, जबकि पिछले क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 45,00,000 का था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका टोटल इनकम सिर्फ और सिर्फ 8,49,000 का था। इनका एक्सपेंस 7,46,000 का इस क्वार्टर में हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 44,72,000 का था, जबकि पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका टोटल एक्सपेंस 8,46,000 का था।
इसके अलावा अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो इनका नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार इस बार देखने को मिला है और इनको 92,69,000 का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 62,00,000 का इन्हों लॉस हुआ था और पिछले या जून क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ 3,000 का इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। और इसी का परिणाम है कि इनका जो अर्निंग पर शेयर है वो शानदार उछलते हुए इस क्वार्टर में दिख रही है और 1.65 रुपये का इनका अर्निंग पर शेयर हो चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.10 रुपये का इन्हें लॉस था और पिछले ईयर जून क्वार्टर में इनका अर्निंग पर शेयर कुछ भी 8 में 0 यहाँ प्रेजेंट हो रहे हैं। इस हिसाब से अगर आप कहेंगे तो इन चारों कंपनी में सबसे अच्छा जो रिजल्ट रहा है वो इसी कंपनी का रहा है और सेकेंड में आप IEX को कह सकते हैं और IEX एक मोनोपोली क्रिएट करती है मार्केट में। IEX के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो इसी चैनल पे IEX के बारे में एक वीडियो डला हुआ है।